मैं हूं दिलजीत कौर, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर विश्वविद्यालय पर्चा लीक मामले में चर्चाओं का माहौल है गर्म। कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर और वहीं के एक महाविद्यालय की मिलीभगत से प्रश्न पत्र लीक होने की है चर्चा। थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी लोगों की फरियाद। डीएम ने कहा जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। अवैध असलहा लूट की मोबाइल के साथ दो लुटेरे को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। 22 में से 13 छात्र छात्राओं को शून्य अंक प्राप्त होने से छात्रों का फूटा आक्रोश। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन की मांग। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। 23 से 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों की हुई समीक्षा। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दी जानकारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सफेद हाथी साबित हो रहा है ई रिक्शा। जरूरतमंद मुसाफिर लौट रहे हैं मायूस। वेतन न मिलने पर दोनों ड्राइवर हैं नदारद। हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता सुनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। स्कूलों में कैंप लगाकर मुहैया कराई जा रही है एनसीईआरटी की सब्सिडी रेट पर किताबें। महानगर की 4 दुकानों में भी उपलब्ध है रियायती पुस्तकें। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम परिसर में किया गया धरती माँ का श्रृंगार। बिटिया तुझे सलाम का किया गया नुक्कड़ नाटक, दिया महिलाओं के प्रति सम्मान का संदेश। शनिवार को शुरू हुआ यातायात जागरूकता कार्यक्रम पखवाड़ा। लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएससी रसायन शास्त्र फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। मनमोहक नृत्य से बांधा समा। और सडन डेथ में बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज बना अंडर 14 सुब्रतो जनपद स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता। और अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र लीक मामले में आए दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर और वहीं के एक महाविद्यालय की मिलीभगत से यह प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसमें कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर के प्रबंधन और कुशीनगर के ही एक महाविद्यालय के प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र दिए गए थे, जिसके बाद यह पर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ था। आपको बताते चलें कि इस मामले में शुक्रवार को एसटीएफ की एक टीम गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंची थी, जहां टीम ने करीब 3 घंटे तक छानबीन कर गोपनीय सेक्शन के अफसर और कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की, जिसके बाद प्रश्न पत्र और उनसे जुड़े बंडलों की भी छानबीन की गई। इस दौरान टीम ने तमाम दस्तावेज भी सबूत के रूप में जब्त किए हैं। एसटीएफ की टीम ने प्रश्न पत्र के बंडलों से फिंगरप्रिंट के नमूने भी लिए हैं। नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा चुका है, जिसके रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बताते चलें कि एसटीएफ टीम ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त देवरिया और कुशीनगर में भी ताबड़तोड़ दबिश दी है। चर्चा के मुताबिक पर्चा लीक मामले में जल्द ही कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले थाना समाधान का आयोजन जनपद के प्रत्येक थानों में किया गया। खोराबार और शाहपुर थाने पर पहुंचकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और एसएसपी शल्लभ माथुर ने फरियादियों की फरियाद को सुना, जिसमें आए 7 मामलों में से 2 को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष बचे मामलों के निस्तारण के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जमीनी विवाद का निस्तारण श्रावस्ती मॉडल से करें। मौके पर टीम लेके जाएं और उसका मौके पर ही निस्तारण कर दें। इस मौके पर डीएम और एसएसपी के अलावा सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शुक्ला, कानूनगो विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य लेखपाल और राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि थाना समाधान दिवस में भूमि संबंधित मामले अधिक आए हैं, जिसका निस्तारण श्रावस्ती मॉडल से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया जमीन है उसका दाखिल दीजिएगा, उसका हमारे नाम कितनी जमीन है वहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद एक बार सब देखेंगे उसमें सब ठीक है। ऐसा तीनों पक्ष आ रहा है ये कराया था आपने कराया जी जिसको उनके बाद मैंने प्लाट को मैंने बेचा है जो लड़के इनके गवाही किए हुए हैं ये गवाही दिए हुए लाइए पेपर अरे भाई तो बता ही तो रहे यार तुम्हें मैं अपना कागज बताइए बाउंड्री क्या है वैसे ईट है पूरा है भी नहीं कराओगे सबसे लगाए पड़े हैं लोग सब क्या बताया क्या समस्या आई उसमें रोका किसी ने आपको सारे रोका तो रोके ही तो लो है कौन रोक रहा है ये भी रोकते हैं इनके भाई हैं एक पप्पू करके इनके भाई हैं बालू और गिट्टी और सारा वैसे छिटा रहा था पेपर मतलब किस चीज का पेपर मकान तुम्हारा मकान मतलब उसी पर चला गया कागज किसकी है तुम्हारा दादाजी का पूरा बनता है इतने बड़ा मकान बनी हुई है ये खाली जमीन कौन सी कह रहे हैं वो दुकान की खाली जमीन है गाड़ी में भी कर रखा है क्या बर्तन सब जारी किया है वो कहाँ तो पास काफी लगाया वो जीरा सब जारी जारी हुआ है श्रावस्ती मॉडल वाली सूची हो समझ रहा हूँ यार श्रावस्ती मॉडल मतलब कितने मामला सारे नुकसान आ भले एक दिन दो दिन लगता बुकिंग हो ऐसे नहीं तो तीन मामला निकाल रहे सात मामले तो तीन निकाल चार तो रह जाएगा
अर्जुन सिंह के जिंदा है, मर गया अर्जुन सिंह के मरने के बाद कौरव पंडा भी खत्म हो जाता है। अर्जुन सिंह के 15 में मरा ना, मरने को सबूत दो मुझे, 6-15 सही बात है। ये ये पहला मैं लिखा मुझे आदेश नहीं, 18 का कोई आदेश नहीं है, वहाँ तो करीब 10-15 शिकायत प्राप्त हुई, मौके पे 5 निस्तारण हो गई उस पर। बाकी तो श्रावस्ती मॉडल के अंदर 2 बजे के बाद गाँव में जाएंगे, वहाँ निस्तारण हुई। यहाँ जो किस थाने में बैठे हैं यहाँ तो 7 प्रकरण प्राप्त हुआ है, उसके 2 पर निस्तारण हुए मौके पर। बाकी 5 प्रकरण अभी तो 2 बजे के बाद कोशिश करेंगे आगे निस्तारण करने के लिए, बाकी तो 1-10 दिन में होंगे। किस तरह के मामले चल रहे हैं? ज़्यादातर जमीन संबंधित मामला है, 90% आप देखेंगे 90% क्या यहाँ पूरा का पूरा जमीन संबंधित मामला है अब तक यहाँ सामने। और इस समय में जो फसल भी कटी हुई है, हम श्रावस्ती मॉडल के अंदर 10-10 मेंबर का टीम बना हुआ है, हर गाँव में जा रही है मेरा टीम, वहाँ जमीन संबंधित कितने मामला वहाँ मौके पर निपटारा कर सकते हैं। शाहपुर पुलिस ने 2 किलो गांजा, 315 बोर की एक देशी तमचा, जिंदा कारतूस तथा लूट की एक मोबाइल के साथ साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शल्लभ माथुर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में मुखबिर की सूचना पर मोहनापुर तथा पवन विहार के मध्य स्थित पुलिया के पास चौकी प्रभारी झरना टोला की टीम ने लूट की घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध असलहा, गांजा और लूट की एक मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान राजघर थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी मोहम्मद शहजादे पुत्र स्वर्गीय अजीजुल हक तथा तिवारीपुर थाना क्षेत्र स्थित निजामापुर निवासी मुमताज अहमद पुत्र स्वर्गीय समीम अहमद के रूप में हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय परेशान था, जो कार्रवाई अपराध प्रशासन के खिलाफ जारी रहे, उसी क्रम में मोहनापुर और पवन विहार के लिए शिकायत करने के दौरान जो सूचना प्राप्त हुई, दो साथी अपराधी जो सूचना मिली उसके जब टीम गई वहाँ से शहजादे और मोहम्मद मुमताज नाम के 2 अपराधी पकड़े, उनके पास से NDTS का सामान मिला, इसके अलावा 1 तमंचा मिला इनके पास से, कार्टून मिले, और इसके अलावा 1 लूट की मोबाइल जिसका मुकदमा पूर्व में बचे उसका भी खुलासा सफल अनावर साफ अब तक और मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और इसकी जांच चल रही है और इन लोगों ने क्या क्या वारदात की है। लूट की मोबाइल इनके पास से मिली है तो लुटेरे तो नहीं है, और अभियोजना के क्रम में और जांच के क्रम में और भी जरूरत प्लस है स्पष्ट। इनके साथ और लोग हैं कि जो गिरोह है संगठित किए ही लोग हैं? अभी ये अब तो जांच का विषय, इसके बारे में खुलासा नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो प्रारंभिक जांच में जो भी बातें सामने आई है कि इनका एक गिरोह जो कि खासकर सराय क्षेत्र में। अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कुशीनगर स्थित बुद्ध स्नान गौतम महाविद्यालय के लगभग एक दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन किए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इन छात्रों का कहना है कि 14 अप्रैल वर्ष 2018 को MSc प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आया था, जिसमें 22 परीक्षार्थियों में से 13 परीक्षार्थियों के 50 अंक में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। छात्रों का कहना है कि उनको यह परीक्षा परिणाम काफी चौंकाने और निराशा करने वाला है, इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन कराना आवश्यक है। छात्राओं ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन कुलपति को प्रेषित किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आकर्षण मिश्रा ने कहा, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट, 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 एबीवीपी डायनामाइट, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, डायनामाइट, 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 डायनामाइट। हम लोग बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय की समस्या लेकर के आए हैं। मैं कुशीनगर का संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। महाविद्यालय में प्राणी विज्ञान में 24 विद्यार्थियों का दाखिला है, 24 में से 2 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ी थी, 22 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से 13 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 2 विषयों में 0 पूर्णांक प्राप्त होते हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में उनको 0 पूर्णांक दिए जाते हैं, टेक्निक्स एंड टूल विषय में 0 पूर्णांक देते हैं। हम प्राचार्य से मिलते हैं, हमने प्राचार्य से अपनी बात रखी, हमने विभाग के ऊपर भी सवाल उठाए कि क्या क्लास नहीं चल रही है। जो विद्यार्थी बीएससी का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष पास करके एमएससी में जा रहा है, क्या वो इतना अनपढ़ हो गया कि अचानक से वो 24 पन्ना कॉपी में लिख करके आता है उसको 0 नंबर मिले? और ये स्थिति से बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर की नहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जितने महाविद्यालय हैं वहाँ इसी प्रकार के परिणाम आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमें पुनर्मूल्यांकन चाहिए, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ जिन्होंने कॉपी उत्तर पुस्तिकाओं को चेक किया है। और हम आम छात्र आरटीआई भी डालते हैं तो इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 बार आरटीआई डालने पे कॉपियां मिलती है। यही हमारी मांग है कि हमारी पुनर्मूल्यांकन की मांग को स्वीकार। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रिक सभागार में संपन्न हुई, जिसमें लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए 23 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 29वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस मौके पर डीएम ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नारा का व्यापक प्रचार प्रचार कराएं तथा सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करें। इस मौके पर आरटीओ डीडी मिश्रा ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 23 अप्रैल को 11 बजे से गोरखपुर क्लब में कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। 24 अप्रैल को आरटीओ कार्यालय से रामगढ़ ताल जीटी पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा। 25 अप्रैल को एनसीसी एनएसएस स्काउट के माध्यम से हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहनने हेतु लोगों में जागरूकता उत्पन्न तथा चेकिंग कराया जाएगा। 26 अप्रैल को प्रमुख स्कूल और कॉलेजों में असेंबली के समय बच्चों में यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को ऑटो, ई रिक्शा, टेम्पो, बस, ट्रक चालकों की कार्यशाला आयोजित कराई जाएगी। इसमें ड्राइवरों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराया जाएगा। 28 अप्रैल को बार एसोसिएशन की संगोष्ठी आयोजित करके सड़क सुरक्षा पर व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। 29 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा शाम को 6:30 बजे दुर्घटना में मृत व्यक्तियों का स्मरण करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के समक्ष मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रवर्तन कार्य करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इससे सड़क पर सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उनतीस तारीख को भी शाम को एक कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में ये व्यक्तियों की डेथ हो गई है। टाउन हॉल गांधी जी की प्रतिमा है वहाँ पर अनेक, सॉरी हाँ
ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो दीनदयाल उपाध्याय की इसमें भी शासन का यही अनुरोध है कि आप हर सेक्शन से सबको इसमें शामिल करिए, अधिकारियों को शामिल करिए, मुखियों को शामिल करिए, अपने विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलाधिपति सैकड़ साहब को शामिल करिए, वहाँ के जो हमारे सम्मानित अध्यापक हैं, हमारे प्रोफेसर उनको भी शामिल करना है, नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे साथी हैं उनकी जो टीम है उनको शामिल करना है। तो जितनी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सहयोग कर सकते हैं। अब कार्यक्रम 6:30 बजे शाम को है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो भी इस यूनिवर्सिटी में नवीन मूर्ति का अनावरण हुआ है वहाँ पर कार्यक्रम कैंडल लाइट का 6:30 बजे शाम को करना है। वहाँ कैंडल लाइट लाइटिंग करके 2 मिनट का उनके सुविधा में मौन रख रखना डिस्कस कर। और इसमें हमारे को फर्स्ट भाग में रखने की अपेक्षा की गई है। मैं आपसे अपने जिला युवा कल्याण अधिकारी साहब से नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी से समन्वय रखते हुए अपेक्षा करना चाहता हूँ कि क्या कोई नुक्कड़ नाटक या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम फर्स्ट हाफ में कहीं भी आपके मनपसंद जगह पर संभव है? विद्यालयों में अक्सर नुक्कड़ नाटक वाले हैं, लेकिन हम नेहरू युवा केंद्र से भी बात करेंगे, अगर कोई अच्छा हो तो ले। ऐसा है कि देखिए इसीलिए आंचल के लिए मैंने शासन से भी थोड़ा माफी दिन मांगते हुए बोला था कि सब समय कम है इस कार्यक्रम के लिए, नहीं बाहर की किसी टीम से संपर्क करते उनके द्वारा भी कहा गया कि आप अपना यू ट्राई और बेस्ट इन पॉसिबल यू कंडक्ट यू नाउ विद इट्स ओके। हम हमारा जो 6:30 बजे वाला कार्यक्रम है फिर उसी 6:30 बजे वाले कार्यक्रम में ही हासिल कर पाएंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने रिलेशन सूचना महोदय साहब से अनुरोध करेंगे कि हमारी जो भी संगोष्ठी से प्रारंभ होकर हमारे कैंडल लाइट तक के जितने भी प्रोग्राम है कृपया उन्हें आपके समाचार पत्रों में सम्मानित जगह के उनके शासन संबंधित नियमों का पालन करने के लिए उनको मजबूर करें और उन्हें भी दूसरे को ऐसा करने हेतु प्रेरित करें। जिलाधिकारी महोदय, सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, सड़क दुर्घटनाओं में अनुरूप होती जा रही है, सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद, गैर सरकारी संस्थाओं के तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। 29वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के पीछे जो है वो सिर्फ लोगों को जागरूक करने की है, लोगों के मन में सड़क सुरक्षा के प्रति, यातायात नियमों के प्रति एक मंथन, एक चिंतन के लिए विमर्श करने भर की है, क्योंकि शासन ने ऐसा मान लिया है कि आज की डेट में जिन यातायात नियमों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं वो नियम सारे लोग जानते हैं, उन नियमों से सारे लोग शिक्षित हैं, साक्षर हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं लगी। आज की डेट में कोई भी ऐसा वाहन चालक नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि हमारा हमारे सड़क मार्गों पर दुर्घटना है। वाहन को तेज गति चलाने से होती है, ड्रंकन ड्राइविंग, शराब पीने या मध्य पदार्थ का सेवन के बाद वाहन चलाने के कारण होती है, सीट बेल्ट न लगाने के कारण होती है, गलत ढंग से ओवरटेकिंग के कारण होती है, ओवर लोडिंग के कारण होती है, चाहे सवारी वाहन में चाहे माल वाहन में, तो या वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने के कारण होती है। इसके बावजूद भी वो इस पर गंभीर नहीं है। वो शासन की मंशा है कि हम बीच बीच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाकर चालकों को जागरूक करेंगे कि आप सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रति हम जो कार्यक्रम करेंगे उन कार्यक्रमों की रूपरेखा ऐसा हो, उन कार्यक्रमों का स्वरूप ऐसा हो जिनसे वो आकृष्ट हो, जिनके प्रति वो हमारे कार्यक्रम आकर्षण पैदा करने वाले हों, जिनसे वो सीखे, जिनमें वो इन्वॉल्व हो, हमारी मार्गदर्शक अपील हो, हमारी कोई अपीलों की मार्मिकता से वो हमसे जुड़े तथा स्वयं के साथ साथ अपने लोगों से संबंधित को भी इन सुरक्षा उपायों यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें।
सुरक्षा उपायों के बारे में, बुनियादार नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में समझा सके। तो सर, इस बार का जो हमारा 29वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम है सर, ये 23 तारीख से लेकर सर 29 तारीख तक का है कार्यक्रम सर। इसमें पहला कार्यक्रम है सर, एक सेमिनार कराना है सर, जो की एकेडमिक ओरिएंटेशन का होगा, और जिसमें हमारे जनपद के 23 को कहाँ करेंगे? 23 को सर हमारा कार्यक्रम गोरखपुर क्लब में है सर, 11 बजे सुबह से। अब वक्त हो चुका एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। गोरखपुर विश्वविद्यालय पर्चा लीक मामले में चर्चाओं का माहौल है गर्म। कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर और वहीं के एक महाविद्यालय की मिलीभगत से प्रश्न पत्र लीक होने की है चर्चा। थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी लोगों की फरियाद। डीएम ने कहा जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। अवैध असलहा लूट की मोबाइल के साथ दो लुटेरे को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। 22 में से 13 छात्र छात्राओं को 0 अंक प्राप्त होने से छात्रों का फूटा आक्रोश। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन की मांग। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। 23 से 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों की हुई समीक्षा। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दी जानकारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सफेद हाथी साबित हो रहा है ई रिक्शा। जरूरतमंद मुसाफिर लौट रहे हैं मायूस। वेतन न मिलने पर दोनों ड्राइवर हैं नदारद। हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता सुनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। स्कूलों में कैंप लगाकर मुहैया कराई जा रही है एनसीईआरटी की सब्सिडी रेट पर किताबें। महानगर की 4 दुकानों में भी उपलब्ध है रियायती पुस्तकें। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम परिसर में किया गया धरती माँ का श्रृंगार। बिटिया तुझे सलाम का किया गया नुक्कड़ नाटक, दिया महिलाओं के प्रति सम्मान का संदेश। शनिवार को शुरू हुआ यातायात जागरूकता कार्यक्रम पखवाड़ा। लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएससी रसायन शास्त्र फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। मनमोहक नृत्य से बांधा समा। और सडन डेथ में बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज बना अंडर 14 सुब्रोतो जनपद स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम पर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश चंद्र शुक्ला ने बताया कि जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं आपराधिक स्वरोक्तित्व के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शमनीयन वाद, धारा 138 प्राक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद,
सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवा निर्मित लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश चंद्र शुक्ला ने सभी वादकारी एवं संबंधित व्यक्तियों से कहा कि उपरोक्त तिथि पर प्रातः 10 बजे नियत का न्यायालय में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर इसका लाभ उठावें। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों मुसाफिरों की अनदेखी की जा रही है। हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार उन यात्रियों की जिनका मददगार साबित होता है ई रिक्शा, लेकिन यही ई रिक्शा ड्राइवर के ना होने की वजह से ये बस यूं ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। केंद्र और प्रदेश की सरकारें दिव्यांगों के लिए संवेदनशील तो है, आप जानते ही होंगे, और इसके संबंध में कई कार्यक्रम भी चला रही है, लेकिन कुछ लचर व्यवस्था के चलते विकलांगों को उनकी जरूरतों से महरूम रहना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय यानी गोरखपुर रेलवे स्टेशन को देखने को मिला। कुछ ही दिन पहले पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 1A के लिए पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है, दिव्यांगों के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की थी। ये ई रिक्शा दिव्यांगों के साथ साथ गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए भी अपनी सेवाएं कुछ समय तक दिया और उसके बाद कई महीनों से यूं ही इंतजार कर रहा है अपने सवारियों का। बिना ड्राइवर के हम आपको बताते चलें कि ये ई रिक्शा उनके लिए है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और इसी दौरान उन्हें यात्रा भी करनी है। ऐसे में ये ई रिक्शा अपने मजबूर मुसाफिरों को अलग अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन अचानक दोनों ड्राइवर वेतन ना मिलने या यूं कहें बहुत कम मिलने पर अपना काम छोड़कर चले गए। अब आलम ये है कि इन मजबूर यात्रियों का ये दोस्त अपने ड्राइवर के ना होने पर उनका साथ नहीं दे सकता। दिव्यांगों और मरीजों के लिए रेलवे की तरफ से दी गई सौगात अब सिर्फ एक छलावा ही बनकर रह गई है। जरूरतमंद यहाँ पर आते हैं और ड्राइवर के ना होने पर मायूसी और बेबसी के साथ वापस लौट जाते हैं। सफर करने के लिए, जी हाँ, ये उर्दू का सफर नहीं बल्कि ये अंग्रेजी वाला सफर हो गया है, SUFFER। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऐसे ही सफर कर रहे एक यात्री ने कहा कि वो बहुत देर से यहाँ पर खड़ा है और अपने जरूरतमंद एक यात्री को ई रिक्शा पर बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन रेलवे की लचर व्यवस्था ने उसे मायूस किया। आइए सुनते हैं इस यात्री की दास्तान। इतनी अच्छी सुविधा थी लेकिन ड्राइवर नहीं है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यहाँ का गोरखपुर का स्टेशन पता नहीं कैसा है, कोई सुविधा नहीं है, मतलब बस नाम का है, सब गाड़ी है पीछे, लेकिन ड्राइवर का नाम निशान नहीं है, तब से वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान होते होंगे, जो विकलांग दिव्यांग हैं वो भी? बिल्कुल बिल्कुल, खुद हम लोग परेशान हैं, तब से वेट कर रहे हैं खड़े खड़े, या तो पैदल जाए या तो नहीं मिलता है। देखा आपने, चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, दोनों ही अपनी अपनी संवेदनशीलता इन दिव्यांगों के प्रति दिखा रही हैं, मगर उसे अभी कुछ जगहों पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। उसमें से ही एक है ये पूर्वोत्तर रेलवे। आने वाले दिनों में अभी न जाने कितने जरूरतमंद यात्रियों को मायूस यहाँ से लौटना पड़ेगा, इसका पता लगाना तो जरा मुश्किल है, और मुश्किल है इन मुसाफिरों का सफर। प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में यूपी में अब
एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी तो निश्चित रूप से गुणवत्ता के लिहाज से उच्च स्तरीय होगी। एनसीईआरटी की किताबें महानगर के जुबली इंटर कॉलेज, एमजी इंटर कॉलेज और एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के में कैंप लगाकर सरकारी सब्सिडी रेट पर विद्यार्थियों को मुहैया कराई जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को जुबली इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों ने सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के माध्यम से किताबें खरीदी। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि सरकार की ओर से एनसीईआरटी की किताबें अत्यंत ही रियायती दरों पर छात्रों को मुहैया कराई जा रही हैं। विद्यालयों में लगने वाले कैंप के अलावा महानगर की चार दुकानों पर भी सरकार ने सब्सिडी रेट की किताबों की व्यवस्था की है। यहां से विद्यार्थी उचित दर पर अपनी पाठ्य पुस्तकों को खरीद सकते हैं। यह दुकानें हैं नव साहित्य निकेतन, पवन बुक सीरीज, सेंटर बुक हाउस और पुस्तक महल। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा, कर देते हैं 130 रुपए दे देता है 142 अरे यार बेटा रुको तुमको 10th का चाहिए, साइंस और साइंस और सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक क्या नाम है? प्रियंका। यहाँ पे किसके लिए बुक लेने आई हो? अपनी बहन के लिए लेने आए हैं। अच्छा। बाजार में बहुत महंगा मिल रहा है, बट सरकार के वजह से बहुत अच्छा कर दिया है कि बच्चों को सस्ते में बुक मिल जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, बाजार में कितने महंगा मिल रहा है वो? बाजार में तो इसका मतलब दुगना है। अच्छा। यहाँ 50 की मिल रही है तो वहाँ 80 की 90 की बुक मिल रही है। बुक लेने आए, मार्केट से सस्ता है और अच्छा भी है। मार्केट में गाइड वगैरह लेना पड़ रहा है तो उससे महंगा मिल रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा जो सुविधा मिल रही है ये अच्छा मिल रहा है। ये कहाँ पे मिल रहा है? जुबली इंटर कॉलेज में ये लगा है। जुबली इंटर कॉलेज में आप किताबें मिल रही है, प्रिंटिंग रेट में मिल रहा है और कहीं पे लेने पर हमें वहाँ पे गाइड के साथ उपलब्ध हो रही है। अगर वहाँ पे गाइड नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ पे थोक दाम से मिल रही है, यहाँ पे प्रिंटिंग रेट में दिया जा रहा है। किस क्लास में पढ़ते हैं? लेने आए हैं और बक्सपुर में लेने में नई बुक मिल रहा है जिसे गाइड के साथ। अच्छा, तो गाइड के साथ कितने में पड़ रहा है वो? और यहाँ पे? यहाँ पर बुक के रेट से मिल रहा है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे ठीक रेट में मिल रहा है? हाँ ठीक है। किस क्लास में पढ़ते हैं? किताबें हमारे यहाँ 10-20 सब्जियाँ उपलब्ध हैं और उसके बाद में बच्चों की एकदम डिमांड को देखते हुए हमने शुरू में 3 जगह कैंप लगाया था और वहाँ पर 2-3 किताबें बढ़ने के बाद में किताबें ख़त्म हो गई थी। कल 2 ट्रक और किताबें मंगाई गई हैं गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में, वहाँ आज से सब्जियाँ बढ़ रही हैं। इसके साथ में जो हमारे जो होल सेलर हैं गोरखपुर के, फिर साहित्य निकेतन, पवन बुक सीरीज, सेंट्रल बुक हाउस, पुस्तक महल, इनके पास भी पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें हैं। वहाँ से जब चाहें जो प्रिंट प्राइस है किताबों का उस पर सब्जेक्ट उपलब्ध है। सर ये सभी विषयों के हैं? सारी विषयों की किताबें, कहीं कोई कमी नहीं जनपद के अंदर।
वर्धा आर्ट इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में शनिवार को सूरज कुंड धाम परिसर में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में धरती का सिंगार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बृहद रंगोली बनाई गई, जिसमें धरा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न विभिन्न रंगोली के स्वरूपों को उकेरा गया। रंगोली गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र मनीष विश्वकर्मा ने बनाई। इनका सहयोग संस्था की मनीषा, चारू, रचना आदि ने किया और विभिन्न रंगों से रंगोली बनाई, जो हर किसी को आकर्षित कर रही थी। इस अवसर पर संस्कार भारती के राष्ट्रीय नाट्य प्रमुख रविशंकर खरे, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एमजी डिग्री कॉलेज हृदय नारायण श्रीवास्तव, न्यायाधीश आर के त्रिपाठी, संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अनुदान योजना के सदस्य हरि प्रसाद सिंह, स्थानीय पार्षद जुबेर अहमद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विश्व मोहन तिवारी, विश्वविद्यालय महिला संगठन की डॉक्टर जय श्री द्विवेदी, डॉक्टर वी के सिंह, नील रतन, रचना धुलिया और वर्धा आर्ट इंस्टीट्यूट के सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्देशक वर्धा आर्ट इंस्टीट्यूट रीना जायसवाल ने कहा। यह कार्यक्रम आयोजित है, आयोजित करते हैं, उसे और कुछ नहीं दे सकते तो उसे सम्मान दे सकते हैं, उसके प्रति श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। बेटा भी छटने वाला है, ऐसे आसार भी दिख रहे हैं। विकास की यात्रा यहाँ की जारी है। त्रेता युग में राज्यारोहण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी स्थल पर विश्राम किया था। इसी सात कुंडों वाले सरोवर में स्नान करने के पश्चात जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पिंड स्थापित कर भगवान राम ने सूर्य की उपासना की थी। के लिए गौरव की बात है आपका भी सूर्य कुंड में सक्रिय होना। एक साथ खड़े हो जाइएगा जरा। कितना बार किए? मार्च में इसकी स्थापना हुई और उसी समय रजिस्टर्ड हमने करा दिया था इस संस्था को। उसके पहले से कार्यकर रही थी संस्था, उसके 4-5 साल के बाद मैंने इसको रजिस्टर्ड करा दिया। विजय नाट हुआ, इधर कई विद्यालयों में किया, जैसे बच्चे जागरूक, पौधारोपण का कार्य कई स्थानों पर कराया। चूँकि कल विश्व धरती दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं पूर्व संध्या के रूप में आज ये कार्यक्रम कर रही हूँ। धरती का श्रृंगार के नाम से ये कार्यक्रम है। धरती का श्रृंगार हम रंगोली और अन्य माध्यमों से तो कर ही रहे हैं, हालांकि धरती का श्रृंगार हुआ कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें, सही रूप में यही देखा जाएगा। और बहुत से लोगों ने पौधा देने के लिए भी मुझे कहा है, या आने वाले दिन में मैं पौधारोपण भी यहाँ कराऊंगी, तो असली तो धरती का श्रृंगार वही होगा। और हम सब वैसे यहाँ मिल करके एक तरह से जन जागरूकता का कार्यक्रम है ये। धरती के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो निष्ठा है, उसके प्रति हम अपना सम्मान यहाँ पर प्रकट करें। आज हमने यहाँ पर रंगोली बनवाने का जो भी हमारा उद्देश्य रहा है कि ये उसी का एक हिस्सा है, धरती का श्रृंगार। हम उसको किस तरह से सजा सकते हैं, अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। कुछ बहनें अपनी रंगोली अलग से भी बनाई हैं और यहाँ पर एक बड़ी रंगोली आपको दिख रही है और इसको मनीष जी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है, इसकी बधाई के पात्र। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को देखते हुए कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में एक सकारात्मक सोच महिलाओं के बारे में विकसित किया जा सके। इसी कड़ी में महानगर के एक संस्थान द्वारा बिटिया तुझे सलाम नाम का नुक्कड़ नाटक बजाज पार्क में किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं,
नाटक के पात्रों के अभिनय से वहां पर उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। इस बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के निदेशक श्री नारायण पांडे ने बताया। अरे आप लोग मेरी मदद तो कर लेना। आप लोग से डॉक्टर बाहर पढ़ने के लिए बैठे हैं और ये उस पर चर्चा कीजिए और भूल जाइए। अरे मेरी मदद करिए ना प्लीज। ओ मैडम, नारी शक्ति शीर्षक है बिटिया तुझे सलाम। इसको चूँकि आजकल लड़कियां जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रही हैं, हमारे देश में नारियों का बड़ा सम्मान रहा है, लेकिन इधर लगातार देखने में आ रहा है, जैसे विशेष करके अभी कठुआ में और उन्नाव में देखा गया, लड़कियों के साथ छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और हत्या जैसी घटनाएँ हो रही हैं। इसे
ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज में संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है। तो आज जबकि हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही है कि महिलाओं का सम्मान होता रहा है, यत् नारयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी संस्कृति वाले देश में, आखिर में ऐसा क्या हो गया हमारे समाज में? ऐसी कौन सी आग लगी हुई है जबकि चारों तरफ इस तरीके की बहुत जिसको कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा किया जाए, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे हम कलाकार बहुत व्यथित हैं और इसलिए हमारे इस थिएटर ग्रुप ने पूरे शहर में एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज वह वक्त आ गया है जब हमें महिलाओं को सम्मान देने की ज़रूरत है। हमारे समाज के हर वर्ग के लोगों को जागरूक होना होगा और लड़कियों से ज़्यादा हमें आवश्यकता है अपने घर के लड़कों को जागरूक करने की। यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को चेतना तिराहे पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों के चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को पंपलेट के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जानकारी दी, उनको हेलमेट लगाकर चलने तथा हेलमेट लगाने की हिदायत दी। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम पखवाड़ा का शुरुआत शनिवार से हुआ है। इसके अंतर्गत महानगर के प्रमुख चौराहों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा जिससे जाम जैसी समस्या का निदान हो सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। लेने समय मतलब पाकि में डाल लीजिए, हेलमेट लगाइए। बढ़िया रुकते हो गाड़ी के साथ ये सड़क सुरक्षा अभियान जिला प्रशासन के द्वारा और ये पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि डीजी ट्रैफिक साहब के ये निर्देशानुसार चलेगा 15 दिवस तक। इसमें हम मतलब मान के चलें प्रमुख रूप से जितने भी सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय और जितने भी संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन स्थानों पर हम जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि वो ठीक है यातायात नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये अभियान आज से ही शुरू हो चुका है। कुछ चौराहों को चिन्हित किया गया खास करके? कुल मिला के ठीक है 6 चौराहे चिन्हित किए गए हैं इस सड़क के। उस पर अलग से क्या ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, उन चौराहों की क्या समस्या है, क्योंकि जिला पुलिस का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हम शहर को जाम मुक्त करें, शहर की जाम की समस्या से हम उसको निजात दिलाएं। तो ट्रैफिक का फ्लो हम किस तरह रखेंगे, क्या मतलब ऑड आवर्स होते हैं, कब किस चौराहे पे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, ट्रैफिक ज़्यादा होने का कारण क्या है, अवैध कौन कौन से स्टैंड हैं और हमारी ड्यूटियों में क्या हमारी कमी है, उसको हम ठीक करके हम चाहते हैं कि गोरखपुर की जनता को हम लोग की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, एक जाम मुक्त शहर हम दे सकें। तो गाड़ियों का चालान भी किया जाएगा इसमें? बिल्कुल, चालान भी किया जाएगा, समन भी किया जाएगा, लेकिन ये हमारी ठीक सेकेंडरी प्राथमिकता है। हमारी जो प्राइमरी मोटो है वो है जाम से मुक्ति और लोगों को जागरूक करना। इस दौरान अगर हमारे अभियान के दौरान अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई वाहन चालक जानबूझ के या बहुत ग्रॉस वायलेशन कर रहा है तब उसका चालान भी हो सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के MSc फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह शनिवार के विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर OP पांडे, प्रोफेसर सेन गुप्ता,
प्रोफेसर सुधा, प्रोफेसर हरि सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं ने नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर समारोह का लुत्फ उठाया। वहीं शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। अब क्या बताऊं, घर आता हूं मुझे देखकर चढ़ जाती है और बाहर प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में अंडर 14 जनपद स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद की 3 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर के बीच खेला गया। मैच बहुत ही रोमांचक रहा। सीमित समय तक दोनों टीम बराबरी पर रही और ट्राई ब्रेकर में भी दोनों टीमों ने 4-4 की बराबरी कर ली। अंत में प्रतियोगिता का फाइनल सडन डेथ के अंतर्गत किया गया, जिसमें बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज को 7-6 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता जीत ली। प्रतियोगिता का आयोजन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के द्वारा किया गया। अरे पीपीगंज के बीच बापू इंटर के बीच होगा। जिसमें महानगर और गोला गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्रीड़ा अध्यक्ष महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज कृष्णकांत यादव ने कहा, माध्यमिक विद्यालयों की सुप्रति मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता 2018-19 सत्र का हो रहा है, जिसके संयोजक 17 वर्ष बालक का महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज और 14 वर्ष बालक का महात्मा गांधी इंटर कॉलेज संयोजक है। ये जनपदीय प्रतियोगिताएं चल रही है, जिसमें जनपद की 17 वर्ष बालक में 5 टीमें प्रतिभाग की थी और 14 वर्ष बालक में 3 टीमों ने प्रतिभाग किया है। फाइनल मैच इस समय यह 14 वर्ष बालकों का चल रहा है, जिसमें बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर के बीच चल रहा है। इसके पहले 17 वर्ष बालक का मैच BBS AB गोला
और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बीच खेला गया था, जिसमें एक गोल से गोला विजयी हुई है। अब जाते जाते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। गोरखपुर विश्वविद्यालय पर्चा लीक मामले में चर्चाओं का माहौल है गर्म। कुशीनगर के एक कोचिंग सेंटर और वहीं के एक महाविद्यालय की मिलीभगत से प्रश्न पत्र लीक होने की है चर्चा। थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी लोगों की फरियाद। डीएम ने कहा जमीनी विवाद का श्रावस्ती मॉडल से होगा निस्तारण। अवैध असलहा लूट की मोबाइल के साथ दो लुटेरे को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। 22 में से 13 छात्र छात्राओं को शून्य अंक प्राप्त होने से छात्रों का फूटा आक्रोश। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन की मांग। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। 23 से 30 अप्रैल तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों की हुई समीक्षा। जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दी जानकारी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सफेद हाथी साबित हो रहा है ई रिक्शा। जरूरतमंद मुसाफिर लौट रहे हैं मायूस। वेतन न मिलने पर दोनों ड्राइवर हैं नदारद। हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता सुनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। स्कूलों में कैंप लगाकर मुहैया कराई जा रही है एनसीईआरटी की सब्सिडी रेट पर किताबें। महानगर की 4 दुकानों में भी उपलब्ध है रियायती पुस्तकें। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम परिसर में किया गया धरती माँ का श्रृंगार। बिटिया तुझे सलाम का किया गया नुक्कड़ नाटक। दिया महिलाओं के प्रति सम्मान का संदेश। शनिवार को शुरू हुआ यातायात जागरूकता कार्यक्रम पखवाड़ा। लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएससी रसायन शास्त्र फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। मनमोहक नृत्य से बांधा समा। और सडन डेथ में बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज बना अंडर 14 सुब्रोतो जनपद स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।